हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों के लिए 3 सेटलमेंट स्कीमों के बाद सरकार ने प्रदेश के बिजली कनेक्शन वाले ट्यूबवेल व उपभोक्ता किसानों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट धारकों को भी राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर होने के कारण जिन किसानों के बिजली कनेक्शन को कटे 2 साल से कम का समय हुआ है, उन कनेक्शनों को बहाल कर दिया जाएगा, जबकि जिन कनेक्शनों को कटे हुए 2 साल से अधिक का समय हो गया है, ऐसे किसानों को नया कनेक्शन जारी किया जाएगा। आज टाउन कंट्री प्लानिंग का ये जो नया कार्यालय इस भवन का उद्घाटन किया है, ये कार्यालय अपने आप में तीनों स्टेट्स का कार्यालय का भवन रहेगा, यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हरियाणा का रहेगा और पंजाब का भी टाउन कंट्री प्लानिंग, क्योंकि पहले एक प्रकार से 66 से पहले का ये पुराना भवन, इसमें सभी यानी पंजाब के भी, हरियाणा के भी, चंडीगढ़ के भी कुछ ऑफिस थे, बाद में इसको ज्वाइंटली बनाया गया है, जिसका 40% हिस्सा हरियाणा के पास रहेगा, 40% पंजाब के पास रहेगा और 20% हिस्सा इसका चंडीगढ़ यूटी को दिया गया है। यूटी ने ज़मीन उपलब्ध कराई है और पूरे का जो बनाने का खर्च है वो 50-50 में पंजाब और हरियाणा ने किया है। कुल 43 करोड़ का टोटल खर्च इस पर हुआ है। तो आज इस अवसर पर एक अच्छी बात यह है कि उद्घाटन के साथ ही पहली मीटिंग भी डिपार्टमेंट की आज हमने यहाँ की है, जिसके अंदर विभिन्न शहरों की जो डेवलपमेंट प्लान थी उसको आज कुछ को फाइनल कर लिया है, कुछ में कुछ सजेशन आए हैं, तो सजेशन के आधार पर नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखी गई है। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उनको रेफर किया गया है कि उसको वो करें। 2 घोषणाएं सेटलमेंट स्कीम की है, एक तो किसानों के लिए एक सेटलमेंट स्कीम हमने बनाई है कि जो बिजली के बिल हैं ट्यूबवेल्स के, उसमें कुल 6 लाख ट्यूबवेल्स में से 2,44,000 कनेक्शन ये बिजली के बिलों के डिफॉल्ट हो गए उनके, हालांकि 2,44,000 6,10,000 में से, हालांकि टैरिफ बहुत कम होता है, मात्र 10 पैसे यूनिट है, एग्रीकल्चर का 10 पैसे यूनिट होता है, या फिर उसका हॉर्स पावर के हिसाब से कुछ कम रेट रखा हुआ, लेकिन उस पर सरचार्ज इस नाते से भी लगाया जाता है जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनका। तो कुल मिलाकर 147 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। अब हमने उनका जो सरचार्ज है वो माफ किया है, लगभग 20-25% सरचार्ज होता है वो माफ़ किया जाता है, और बाकी किसानों को ये कहा जाएगा कि वो सब 30 नवंबर तक बाकी पैसे को एक मुश्त जमा करा दें तो सरचार्ज की माफ़ी हो जाएगी। दूसरा विषय वो HSVP से जुड़ा हुआ है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसमें जैसे हमको जानकारी है कि 2 बार हमने 1-time सेटलमेंट स्कीम ये घोषित की थी, जितने अनाउंसमेंट और इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के मामले में एक विवाद चल रहा था, अनाउंसमेंट का उनको जो जानकारी है समय पर नहीं दी जाती थी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उनकी ओर से आपत्ति ये थी कि जिस अनाउंसमेंट की हमको जानकारी नहीं मिली समय से तो उसका इंटरेस्ट क्यों लगाया जाए। अल्टीमेटली हमने तय किया कि ठीक है, उस पीरियड का इंटरेस्ट उनको फ्री किया जाए, और अनाउंसमेंट में भी कुछ एरिया की कैलकुलेशन दोबारा से करनी थी। उनकी शिकायतें ये थी कि जितना एरिया कॉमन लैंड के नाते से हमारे ऊपर लोड किया जाता है उसका अनाउंसमेंट, वो ज़्यादा है, उसको दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाए। तो सब सेक्टर्स का दोबारा से रिकैलकुलेट कराया है। इससे पहले जो 2 बार 1-time सेटलमेंट स्कीम थी उसमें तो सीधा सीधा जितना बकाया था उनका अनाउंसमेंट और इंटरेस्ट पेनल्टी, उसका पहली बार 40% उनको छोड़ा गया था। उस 40% छोड़ने में लगभग 24,163 लोगों ने
इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाया। कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने कहा कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए, तो आगे फिर एक महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया। वो 37.5% के रिबेट पर उनको मौका दिया गया। उसमें भी लगभग 4,000 लोग उस स्कीम में आए जिन्होंने इसका लाभ उठाया, और कुल मिलाकर जो पेमेंट थी उसमें 40% का रिबेट 568 करोड़ रुपया गया था, 853 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। ऐसे ही 37.5% में 93 करोड़ रुपया का रिबेट गया था और 155 करोड़ की वसूली हुई थी। ऐसा लगभग 1650 करोड़ का सेटलमेंट ये दोनों स्कीमों हुआ था। टोटल बेनिफिशियरीज के 28,436 हो गए थे। फिर भी लगभग 60,000 ऐसे डिफॉल्टर्स थे, 32,000 के लगभग अभी भी डिफॉल्टर जो बाकी हैं। उन लोगों की डिमांड थी कि कैलकुलेशन दोबारा कराई जाए। कैलकुलेशन का क्राइटेरिया तय करने के लिए कितनी ज़मीन उसमें ली जाए और कितनी छोड़ी जाए, कॉमन लैंड कितनी हो और सेलेबल लैंड कितनी हो, इस पर 3 जजेस के कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उन रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर अब सेक्टर्स की कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी है। तो मोटा मोटा भी कुछ सेक्टर्स की जो कैलकुलेशन आई है उसमें चूँकि अलग अलग सेक्टर्स की पोजिशन अलग अलग है, कहीं इंटरेस्ट रेट चूँकि कितना पुराना वो अनाउंसमेंट आया हुआ उसका इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से ज़्यादा हो गया है, और कहीं कहीं अभी अनाउंसमेंट सबकी आई भी नहीं है। सिविल जजेस की कहीं आ गई तो हाई कोर्ट की नहीं आई, हाई कोर्ट की आ गई तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं आई। इसलिए हर सेक्टर की कैलकुलेशन अलग अलग से बैठेगी, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं पर 30% का लाभ मिल रहा है उनको, कहीं पर 43% का भी मिल रहा है, एक जगह 45% मिल रहा है, और एक जगह सेक्टर 9 जीन में तो केवल 9% का लाभ मिल रहा है। इसलिए स्वाभाविक है ये कैलकुलेशन अलग अलग सेक्टर की अलग अलग आएगी। अब हमने उनको ऑफर किया है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग अपना जितना भी पैसा बनता है उसको वो जमा कराएं। स्वाभाविक है इसमें कैलकुलेशन में किसी को ज़्यादा लाभ होगा, किसी को कम लाभ होगा, और ये अनाउंसमेंट हमने पहले ही की थी कि अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लें। स्कीम बंद होने के बाद अब कोई नई स्कीम नहीं होगी। कैलकुलेशन के हिसाब से जिस भी व्यक्ति को जितना लाभ होगा या जितना जमा कराना होगा वो केवल कैलकुलेशन के आधार पर होगा, और ये अब सेटलमेंट फाइनल करके आज हमने घोषणा की है। 12 सेक्टर्स की कैलकुलेशन हो गई है, कुल 300 सेक्टर्स की कैलकुलेशन होनी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम स्पेशली इस काम के लिए हायर की है और वो इंडिपेंडेंटली उस सारे काम को कर रहे हैं, और उस कैलकुलेशन में जो भी कोई प्रतिनिधि उन सेक्टर्स के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आदि जो भी कोई आपके साथ में बैठना चाहे, जो सिद्धांत तय हो गए हैं उसके हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हैं। तो ये अभी से प्रारंभ किया है और मैं समझता हूँ अगले एक महीने भर में हर एक सेक्टर की कैलकुलेशन हो जाएगी और सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नई कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये रिफंड ये पैसा जमा कराना है। अगर किसी ने पहले मानो ज़्यादा भी जमा करा दिया होगा तो वो आगे के हिसाब में उसका एडजस्ट हो जाएगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।